का सबसे पहला स्मार्टफोन Xiaomi जिसने लॉन्च किया है 108 मेगापिक्सल का कैमरा और जो कि आ चुका है दुबई में। अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही करेंगे लेकिन कैमरा टेस्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर होने वाला है वो इसका कैमरा होने वाला। तो दुबई फ्रेम में मैं इस वक्त आया हुआ हूँ जहाँ पर एक साइड दुबई की फ्रेम से दिखता है ओल्ड दुबई और एक साइड दिखता है न्यू दुबई। तो कितना अच्छे से ये जूम कर लेता है, कितना अच्छे से ये कैप्चर कर लेता है वो देखेंगे हम इस वीडियो में, करेंगे अनबॉक्स, जानेंगे प्राइस, अवेलेबिलिटी। अक्सा बोलो जनता, लाइक तो बनता और लाल को काला बनता। यहाँ पर मैं आया हूँ दुबई फ्रेम में अपनी डॉटर के साथ, अक्सा के साथ, जो कि नहीं देख रही है बिल्कुल कहीं भी, उसको नहीं देखना है, वो मेरा मुंह खींचे जा रही है। आप अनबॉक्सिंग देखिए फिर कैमरा टेस्ट भी करते हैं। दोस्तों बॉक्स टिपिकल CC9 सीरीज जैसा ही है, यहाँ पर CC9 प्रो लिखा है, Xiaomi CC का लोगो और यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग और यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग, जिसके ऊपर की साइड यहाँ पर बारकोड वगैरह, जो वेरिएंट हमारे पास है 6GB की रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी बैक साइड हम देख लेते हैं फटाफट। तो कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस सब चाइनीज में ही लिखा गया, विशाल विशाल। दोस्तों बैटरी यहाँ पर काफ़ी विशाल दी गई है, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ तो आप स्क्रीन में इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख लें। मेरे नाखून में थोड़ी धार है, जी हाँ मेरे नाखून में थोड़ी धारा और इसे लगाया है कट बड़े ही आराम से। ओके यहां से इस रैपर को बाहर निकालते हैं हम, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, टेन 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 टेन, क्या बात है क्या बात है। सामने रहा CC का लोगो, इसको निकालते हैं हम बाहर बड़े ही आराम से। ओके रैपर दोनों साइड में दोस्तों लगी हुई है, स्टार्ट करते हैं हम। हल्का सा वाइब्रेट आया और ये आया MI का लोगो। दोस्तों बॉक्स में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक कलरफुल सा बॉक्स आया अंदर, CC9 सीरीज में भी कुछ ऐसा ही था। बुकलेट होगी, पेपर वर्क जो कि चाइनीज में ही होगा क्योंकि चाइनीज वर्जन है ये। ओके टिपिकल का केस जो कि चल रहा है, थोड़ा सा हार्ड केस नहीं दिया है यहाँ पर, ब्लैक कलर का, सॉलिड ब्लैक कलर का एक सिलिकन का केस दिया गया है। दोस्तों रेटिंग है यहाँ पर 5W 3A 9W 3A और दोस्तों यहाँ पर होगी टिपिकल Xiaomi की सीरीज के जैसे आती है यहाँ पर टाइप सी की केबल। यहाँ पर ये आ गया है MIUI 11 में आउट ऑफ बॉक्स, इसके रैपर को हम हटा देते हैं बड़े ही आराम से। यहाँ से इस रैपर को भी हटाया, क्या बात है, ब्लैक कलर में दोस्तों ये आया है हमारे पास और आउट ऑफ बॉक्स ये चल रहा है यहाँ पर MIUI 11 में। कर्व्ड स्क्रीन देखिए, क्या बात है क्या तो बात है, यहाँ पर कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर ग्लास बॉडी दी गई है। ओके मैं आपको इसकी होम स्क्रीन में डायरेक्ट ले चलता हूँ। हम इसकी होम स्क्रीन में जो कर्व्ड दोस्तों दोनों साइड से जो कर्व्ड होता है वो बहुत ही प्रीमियम, ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रीमियम आपने कोई फोन हाथ में पकड़ा है। लेकिन फिजिकल ओवरव्यू की यहाँ पर बात करते हैं हम पहले, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कैमरे देखने को मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। दोस्तों क्या बात है, कैमरों की बरसात हो गई है, बिल्कुल यहाँ पर ग्लास है, किसी भी तरह का कोई पॉलीकार्पेट बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर बटन नीचे की साइड में, क्या बात है, हेडफोन जैक दिया गया है बिल्कुल और टाइप सी की कनेक्टिविटी, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल और इस साइड में दोस्तों कुछ भी नहीं है। ऊपर की साइड में यहाँ पर एक माइक्रोफोन, क्या बोलते हैं इसको, IR ब्लास्टर दिया गया है और एक माइक्रोफोन दिया गया है। देख लेते हैं दोस्तों स्प्रे भी हम यहां पर देख लेते हैं क्या ये। ओके सिर्फ और सिर्फ ड्यूल सिम है, अब मैक्रो SD कार्ड का ऑप्शन तो बिल्कुल यहां पर दिया ही नहीं गया है। दोस्तों मैंने यहां पर अपना फिंगरप्रिंट रख लिया है, देखिए कितना फास्ट है। यहां पर एक बार स्क्रीन को ऑन करते हैं, ओके ठीक है एक बार फिर से ओके है दोस्तों, बहुत ज्यादा फास्ट भी मैं नहीं कहूंगा और मैं यहां पर स्लो भी नहीं कहूंगा। यहां पर जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों वो
ठीक है, बुरा नहीं है, यहाँ पर काफी अच्छा है। अब मैं इसके फेस आईडी, फेस अनलॉक की बात कर लूं, एक बार फिर से तेज है, सिक्योर है और तेज है। बिल्कुल दोस्तों, जो ये MIUI 11 का दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। वॉलपेपर भी कुछ कमाल के देखने को लग रहे हैं यहाँ पर, कुछ और वॉलपेपर भी हैं, देख लेता हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल के और नए दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर दिए गए हैं MIUI 11 में, आपको बहुत जल्द मिलने वाले होंगे। ओके, अब इसको हटा देते हैं हम, अब चलते हैं सेटिंग में इसकी। ओके, यहाँ पर गए हम इसकी सेटिंग में, चाइनीज वर्जन है, सेटिंग है यहाँ पर। ओके, दोस्तों दोनों साइड से कवर्ड है और यहाँ पर नॉच दी गई, जो कि फ्रंट कैमरा वो है 32 मेगापिक्सल का, और कोई पॉपअप सेल्फी यहाँ पर नहीं है। चलते हैं अबाउट फोन पे, अबाउट फोन है यहाँ पर दोस्तों। ये जो आइकन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, MIUI 11 के कुछ चेंजेस हो गए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट देखने को लग रहा है ये। ओके, अब ऑल स्पेस में चलते हैं, CC9 Pro MIUI 11.3 में है ये, Android 9 है यार, ऐसा क्यों? और 6GB की रैम है, Octa-Core 2.2 GHz, और यहाँ पर जो स्टोरेज है कहाँ पर लिखी गई है, 111GB हमें आउट ऑफ बॉक्स अवेलेबल देखने को मिलती है। अब दोस्तों कैमरा की बात करते हैं, लेकिन कैमरा का टेस्ट 108 मेगापिक्सल हो और उसका कैमरा टेस्ट हम ऐसी सिंपल जगह में करें, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं आपको कोई सेटिंग दिखा दूँ, यहाँ पर 2x, 3x, 5x, कमाल, एक्स करते जाओ दोस्तों, एक्स करते जाओ, बहुत ही कमाल का यहाँ पर होने वाला। 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन यहाँ पर अलग से दिया गया है, मैं इसके बहुत ही कमाल के कैमरा सैंपल लेके आता हूँ, आप जाना नहीं। दोस्तों ये कंप्लीट एक व्लॉग जैसे मैं बना रहा हूँ, ये CC9 Pro के 108 मेगापिक्सल कैमरा से। यहाँ पर मैं दुबई फ्रेम के अंदर हूँ, एग्जैक्टली जितना भी अब से रिकॉर्ड होगा वो पूरा इस CC9 Pro से होगा। इससे पहले हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो कर रहे थे DSLR से। कितना अच्छा कैमरा है वो हमें यहाँ पर चल के देखने को मिल जाएगा। चलिए, अंडरस्टूड। तो ये यहाँ से बिल्कुल फ्लोर नजर आ रहा है। फोकसिंग टाइमिंग देखिए आप, फोकसिंग टाइमिंग कमाल का है, कमाल का फोकसिंग टाइमिंग। फर्स्ट रिएक्शन दोस्तों मुझे कमाल का लग रहा है यहाँ पर CC9 Pro का। तो ओल्ड दुबई का तो व्यू बहुत ही शानदार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं है, न्यू दुबई पूरी वहाँ पर सनलाइट आ रही है, इस वजह से कैमरा अच्छे से फोकसिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कैमरे की तो दोस्तों कैमरा इसका जो बनाया है वो सीरियसली यहाँ पर कुछ बनाया गया है। ये रियर कैमरा से ये वीडियो बन रहे CC9 Pro से, और यहाँ से हम कर रहे हैं एंटर। सबसे पहले ये कुछ धुआं जैसा आता है, और यहाँ पर हमारे बिल्कुल लो लाइट है यहाँ पर, अक्सर यहाँ पर देखो बिल्कुल लो लाइट है। लो लाइट में दोस्तों इसका कैमरा तो कमाल का है भाई। खड़ी है यहाँ पर आंटी, थोड़ा और खिसकिए, बस बहुत शुक्रिया आंटी। हम आ गए हैं बिल्कुल यहाँ पर फ्रंट में, लिफ्ट आ चुकी है और ये हमें जानने का बोल रहे हैं बिल्कुल पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा है। न्यू दुबई
बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, वीआईपी ही वीआईपी। और कुछ पिक्चर की बात करते हैं दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर ली गई, क्लियर है, काफ़ी अच्छी है, और ये नॉर्मल मोड में ली गई है पिक्चर, काफ़ी ठीक है। ओके, अब ये यहाँ पर दोस्तों ये जो है 108 मेगापिक्सल से ली गई है पिक्चर, कितना फेस को 108 कितना फेस को डिटेक्ट करता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चे का यहाँ पर एक एक डिटेलिंग में आई हुई है, यहाँ पर कपड़े में जो दाग हैं वो भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों और पिक्चर की बात करते हैं हम, यहाँ पर ये नॉर्मल मोड से ली गई है। अब दोस्तों ये अब बात करेंगे स्लो मोशन में, देखिए ठीक है, ये मैं कहूँगा मुझे ओके सा लगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा है, ओके लगा है स्लो मोशन में पिक्चर क्लैरिटी। किसका चेहरा अब मैं देखूँ तेरा चेहरा देख के, 108 मेगापिक्सल की ये पिक्चर ली गई है, देख लेते हैं कितना क्लियरली ये जूम कर लेते हैं, एक बार फिर से करते हैं। ओके क्या बात है, स्कूल बस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, ये अलग से एक फ्रेम दिया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, अलग से आप इसको हैंडल कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको ले जाना है, फोकसिंग कहाँ ले जानी है दोस्तों। यहाँ पर रोड की डिटेलिंग देखिए आप, छत में कितने एंटीना लगे हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राउंड अबाउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या अब कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन जो फिर ये कर लेता है जूम, क्या बात है, यहाँ पर कितने कार पार्क है इस साइड में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने कार पार्क हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल नहीं, कमाल है दोस्तों 108 मेगापिक्सल की पिक्चर कमाल आई है। सेल्फी मैंने ले लिया, जो सेल्फी कैमरा इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी डिटेलिंग, ये देखिए कितना परफेक्टली आप जितना जूम करते जाएंगे उतना पिक्चर को ये क्लैरिटी में करता जाएगा। कैमरा में यहाँ पर CC9 Pro ने फाड़ के रख दिया भाई, पिक्चर 1x की है, काफ़ी क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम करने में हमें काफ़ी डिटेलिंग, यहाँ पर हमें डिटेलिंग दिखाई दे रही है। अब 2x की बात करते हैं दोस्तों, मुझे पर्सनली 2x ज़्यादा पसंद आया, आप यहां पर देखिए कलर वाइज भी देखिए आप, काफी अच्छा कलर आया ये 1x के, 1x से ज्यादा अच्छा कलर मुझे 2x में लगा है। अब बात करते हैं 5x की, ठीक है यहां पर कलर तो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन फोकसिंग देखिए आप, स्कूल बस है यहाँ पर, जो जेब्रा क्रॉसिंग काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर ये दोस्तों 10x है, जो ऑफ कोर्स वाली बात है, ज़्यादा ही जूम, आप देखिए जो ओरिजिनल पिक्चर है वो ऐसी है 1x की, अब यहाँ पर 10x में थोड़ा नॉइस तो होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ओके क्वालिटी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों अब मैक्रो शॉट की बात करते हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब नॉर्मल मोड में लिया गया है, तो कुछ भी फोकस में नहीं आया है आपके सामने, आप देख सकते हैं कोई भी बटन फोकस में नहीं है। जब हमने मैक्रो शॉट का ऑप्शन सेलेक्ट किया उसी सब्जेक्ट में जाके, उसी क्लोज में जाके, तो देखिए क्या तो क्लैरिटी, यहाँ पर ये छोटा सा दाना भी बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा है, तो मैक्रो शॉट काफ़ी कमाल का यहाँ पर मुझे लगा है। अनबॉक्सिंग देख ली, कैमरा टेस्ट देख लिया, दुबई फ्रेम की हर साइड से आपने देख लिया कितने अच्छे से ये कैप्चर करता है, कैमरा रिएक्शन मुझे फर्स्ट रिएक्शन में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है, कंपैरिजन इसका रियलमी X2 Pro के साथ करेंगे, अगर मुझे X2 Pro देरा मार्केट में मिल जाता है तो, और भी मैं अपने कई सारे सैंपल्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर शेयर करने वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अब हम बाप बेटी अब जाते हैं वापस घर की तरफ, और आप जनता लाइक तो बनता, शब्बा खैर, चलिए 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 चलिए, हो गया हो गया, चलिए।